वन प्लस के फोन्स इंडिया में काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहते हैं, साथ ही साथ में इंडियन यूजर्स को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब वन प्लस अपना नया फोन लेके आए। तो इस बार वन प्लस अपना नया फोन लेके आने वाला है बहुत ही जल्द, जिसका नाम है वन प्लस सीई 5G स्मार्टफोन। बेसिकली ये फोन परफॉर्मेंस में, कैमरा, डिस्प्ले, फीचर्स, अदर स्पेसिफिकेशंस में काफी आगे होने वाला है। साथ ही साथ में ये कम्पीट करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी के M42 से और MI के 10i से। तो इस वीडियो में इसी फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि OnePlus का अगला स्मार्टफोन कौन सा होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया था, अभी वो बच्चा ही नहीं मिला। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग, OnePlus के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो हमेशा परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए जाने जाते हैं। खासकर इंडियन यूजर्स हमेशा वेट करते हैं कि कब OnePlus का नया स्मार्टफोन रिलीज हो और कब वो इस पे अपने हाथ आजमाए। तो इस बार आपको इस फोन में Android 11 देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ में आपको इसमें Qualcomm का Snapdragon 750G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और अब अगर हम बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए ये चिपसेट सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अभी तक के जितने भी गेम्स हैं उन सबके लिए ये प्रोसेसर काफी अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें ओवरऑल टोटल गेमिंग की, तो OnePlus के जितने भी फोन्स होते हैं वो गेमिंग के ऊपर फोकस करते हुए ही बनाए जाते हैं कि यूजर्स इसमें बेस्ट एक्सपीरियंस ले सके। कैमरा, अगर हम बात करें कैमरा की, तो इसमें आपको पीछे की साइड क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का सबसे मेन प्राइमरी कैमरा होने वाला है। और साथ ही साथ में इसमें आपको 3 सेंसर्स भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो लेंस एंड डेप्थ सेंसर्स होने वाले हैं। तो बेसिकली ये फोन एक कैमरा बीस्ट फोन होने वाला है। फ्रंट कैमरास, अगर हम बात करें फ्रंट कैमरास की, तो इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि एक अच्छा सेल्फी कैमरा होगा जो तुम्हें और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा। डिस्प्ले, अब अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जो कि 6.43 इंचेस के साथ में आएगी और 90 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है। 90 हर्ट्ज जो कि बहुत अच्छी रिफ्रेश रेट है गेमिंग के हिसाब से, क्योंकि गेमिंग में जितनी ज़्यादा हर्ट्ज रेट होती हैं उतनी ही ज़्यादा उस गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा कूल होने वाला है पबजी जैसे गेम के लिए। बैटरी, अगर हम बात करें बैटरी की, तो OnePlus के जितने भी फोन्स आते हैं उसमें आपको हमेशा अच्छी खासी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। तो इस फोन में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बैटरी की, तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में आपको 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि टाइप सी केबल के साथ होगा। प्राइस, अभी तक हमने देखा था कि हमेशा प्राइस के मामले में OnePlus हमेशा हाई प्राइस वाले फोन्स बनाता था, लेकिन बेसिकली नोट के साथ में उसने मार्केट में ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि OnePlus भी एक ऐसा फ़ोन है, ऐसी ब्रांड है जो एक लो प्राइस फ़ोन भी रिलीज़ कर सकती है। और यही चीज़ हमें इस बार कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है OnePlus CE में, जिसकी प्राइस अराउंड 20 से 25 के आसपास हो सकती है, जो कि एक अच्छा खासा प्राइस रेंज है। लॉन्च डेट, अब अगर हम बात करें OnePlus CE के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये 10th जून होने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ रही है। तो गाइस, ये थे कुछ स्पेसिफिकेशंस OnePlus CE के बारे में हमारे पास में, और साथ ही साथ में अब मैं आपको बता देता हूँ कि OnePlus का नेक्स्ट फोन कौन सा होने वाला है। OnePlus का नेक्स्ट फोन होने वाला है OnePlus Nord एंड 200G, जो कि हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड, गेम, एप्लीकेशन, गैजेट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। एक बार एक बच्चा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भूल गया था, अगले दिन वो बच्चा ही नहीं मिला।